आज सुने कामदा एकादशी व्रत कथा। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही उनके निमित्त एकादशी व्रत रखा जाता है। कामदा एकादशी का व्रत करने से साधक को 100 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी मनाई जाती है। इस साल 19 अप्रैल को कामदा एकादशी पड़ रही है। कामदा एकादशी पूजा विधि। कामदा एकादशी के दिन सुबह उठकर नहाने के बाद साफ कपड़े पहने जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु को याद करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा करने के लिए लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा के सामने एक लोटे में जल, अक्षत, तिल और रौली डालकर रखें। भगवान विष्णु को भोग में फल, दूध, फूल, पंचामृत और तिल आदि अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और मन में श्री हरि और माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर विष्णु भगवान की आरती करते हुए मंत्रों का जाप करें और आखिर में व्रत कथा पढ़ने के बाद पूजा संपन्न होती है। व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वर बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगे। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले
कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। इसके उद्धार का कोई उपाय बतलाए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। आदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है, इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत की तिथि। चैत्र मास के शुक्ला पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल की शाम 5:31 पर शुरू होगी और अगले दिन 19 अप्रैल को शाम के 8:04 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के चलते 19 अप्रैल को कामदा एकादशी मनाई जाएगी। कामदा एकादशी पारण का समय व्रती 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से लेकर 8:26 के बीच व्रत खोल सकते हैं। इस समय में स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें और इसके बाद ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करें। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। मोर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभलाता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मूर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 जितेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। 11वीं इंद्रिया है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11, क्योंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिया से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता के उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाने जाने लगे। माता एकादशी की अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी से पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मरंती कहते हैं। भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी की इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा, लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप
पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा, एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा। वह जहां भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्य भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। वो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग समस्या हानि परेशानी इत्यादि बन जाएगी। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारिका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बाहु दे, पितामर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पाटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्णा जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा देने आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में बास ले, चटक की चाल ले, पाटक की मौत ले, कृष्णा जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब वापस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पथवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पथवारी माता विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती है। पथवारी माता पथ की धारिणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याय बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता पथवारी माता विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको बड़ा कर दिया, उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिया। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा,
सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख लो। वहाँ गई, देखा हीरे मोती का ढेर लगा है, हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने, सुनने, हुकर भरने वालों को सुख समृद्धि धन्य धान्य देना। प्रेम से बोलिए, पाल पथवारी विनायक भगवान की जय। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना सवा सिर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सिर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दिए। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया। तपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लप्सी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तप्सी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय। एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊ देवी भक्ति प्रदान करने। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्णा पक्ष की उत्पन्न विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होई मोक्ष दा मुक्ति दाता बनाई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्णा पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होई पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सटटिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में
वैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी अपराजेश कृष्ण पक्षी, नाम निर्जिला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आसार में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्षे कहे, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुकेला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायके भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोथानी शुक्ल पक्ष की दुख ना सके मैया, पावन मास में करो बिंदी पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्णा पक्ष में होती जनमंगल करनी, शुक्ल मास में होई पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरदीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता।